पूरा आपको अंदर की तरफ जो यहां से हाथ डाला और फिर ये वाला काटा। जय श्री राम। और फिर क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब बेच चुके सुबह ये बैग वगैरह देख रहे हो। मम्मी और पापा दोनों गांव से आ चुके हैं और एक चोरी का सीन भी हुआ है बैग के साथ, जो कि मैं घर पर जाकर दिखाऊंगा, मतलब अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। अभी दिखाता हूँ बाहर का क्या सीन है। बाहर मौसम बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बाहर मौसम बारिश हो रही है बहुत मस्त। और बाइक में मॉर्निंग में गया था स्टेशन तो बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो अभी वो पाइप लगाता हूँ सीधा बाइक को धुल देता हूँ बारिश में, तब आएगा मज़ा। और विक्की जा रहा है फिंगर और सभी जा बाइक बिल्कुल चमका लिया मैंने और अंदर निकल भी लाइट में भी लाइट कट रखी है। बस बारिश के चक्कर में विक्की वेट कर रहा है बारिश खत्म होने का फिर जाएगा ये। सभी तो बैठे हुए हम दोनों ऐसे वेट पर बैठे हैं। मैं कभी नहीं जाता भाई, तूने बेइज्जती नहीं करी कल लक्ष्य के घर पे क्या बोल रहा था? तो भाई वो दोस्त नहीं थे हम। ये क्या कर रहा है? करम फूट गए इसके। बियर्ड खतरनाक आ रही है ना, वही सहला रहा है। मौसम तो मस्त हो रहा है घूमने वाला, लेकिन कार में बाइक में नहीं। तो भाई बारिश तो बहुत धीरे धीरे हो रही है यार, ऐसा हो जाए कि एक ही बार होके ख़त्म हो जाए, धीरे धीरे हो रही। और पापा लगे अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने में, एक महीने स्कूटी बंद थी तो स्टार्ट होने में काफ़ी दिक्कत है, किक मारने पड़े उसको, उससे 25 किक मारी है तब जाके स्टार्ट हुई। अभी थोड़ा इंजन गर्म हो जाए तो मुझे पापा के साथ शायद से सीपी जाना पड़ सकता है काम से, दिखते ही चले जाएगा अपने घर। भाई गर्मी तो आ चुकी है लेकिन बारिश की वजह से मौसम वापस से ठंडा हो गया। मौसम वापस से ठंडा हो गया तो फुल शर्ट पहन के जाऊँगा क्योंकि ठंड लग रही है, बाइक वगैरह पे ज़्यादा ही लग रही है। और मॉर्निंग में भी जैकेट पहन के गया था मैं, जब मैं बाइक से गया था मम्मी पापा को बुलाने के लिए, फुल पहना कर भाई। ओके समझ गया, ठीक है समझ गया कि नमस्त। पानी पोंछ दिया था बाइक का और फिर गंदी हो गई। ये बेचारा रेडी वेडी होकर जाने के लिए रेडी है लेकिन जा नहीं पा रहा बारिश की वजह से। सही लगा। सो गाइस विक्की भी जा चुका है अपने घर पे और पापा भी अभी निकलेंगे थोड़ी देर में ऑफिस के लिए, क्योंकि आज पापा दिल्ली पहुँचे लेकिन आज ही जाना पड़ेगा ऑफिस क्योंकि वर्क इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, जाना तो पड़ेगा। और वैसे एक चीज़ जो मैं दिखाता हूँ, मैंने जो बोला था कि चोरी का सीन हुआ था बैग में, जब जा रहे थे ना मेरे पापा इस टाइम जा रहे थे उस टाइम इस बैग को काटने की कोशिश करी गई थी, और कहाँ से काटा था दिखाता हूँ। इसमें लॉक लगा हुआ था, बड़े वाले टोटल दिखा दो। बारिश छोड़ लिया लेकिन फिर भी पापा को ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि काम मस्त इम्पोर्टेंट। ये जो ट्रॉली वाला बैग है अमेरिकन टूरिस्टर का, इसके साथ किया गया था कांड, दिखाता हूँ। सबसे पहले उसने ये चैन खोला हो, यहाँ से कट लगा, ये देख रहे हो ये तो वापस से सिला हुआ है, ये कट, ये देख रहे हो इतना बड़ा उसने कट लगाया और यहाँ से हाथ डाला अंदर। उसके बाद अंदर की तरफ एक नेट है, पूरा आपको अंदर की तरफ जो यहाँ से हाथ डाला और फिर ये वाला काटा ब्लेड से, और इसके अंदर से सामान लेने की कोशिश करी जो कि वो नाकामयाब हो गया पूरी तरह से। मैं तो सोचा अंदर वॉलेट वगैरह होगा सब ले लेता हूँ जल्दी जल्दी, तो देख रहे हो भाई चोरी कितनी ज़्यादा फैल चुकी है। सो गाइस इंडियन रेलवे में तो ये सब चीज़ें आम बात है, तो क्या कहते हैं उसे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अच्छा हुआ उसका कुछ हाथ नहीं लगा, अगर अंदर वॉलेट वगैरह होता है इस बैग में तो पक्का वो लेके जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने काटा है इतनी स्पेस में तो आराम से कोई पर्स वगैरह आराम से निकाल सकता था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा।
होगा इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। वैसे ये रात के टाइम में किया था, वैसे दिन के टाइम में पापा बैठे हुए थे, रात में सोने के लिए ऊपर गए तो नीचे बैग ऐसे रखा हुआ था, कोई आके बैठ गया होगा, उसने कर दिया होगा। मम्मी लगी यहाँ पे झाड़ू पोछा करने में। वैसे हमने पूरी साफ सफाई रख रखी थी रूम वगैरह की, हल्की फुल्की साफ सफाई कर दी है। तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, इतनी मस्त नींद आ रही थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ठंडा हो गया है, दिखाता हूँ आपको। और यहाँ तो बारिश हुई है, फिर भी ग्रेटर नोएडा साइड तो और गाजियाबाद साइड तो ओले गिरे हैं। मैंने दो तीन बंदों की स्नैप देखी, इतने खतरनाक ओले गिरे हैं, इतना तो बड़े ओले। और गाइस इसी डेट को पिछले साल हमारे यहाँ पे ओले गिरे थे, क्योंकि मुझे गूगल फोटोज़ की तरफ से रिमेम्बर आया था कि एक साल पहले का फोटोज़ देखने के लिए, तो मैंने देखा तो आज ओले गिरे थे। तो आज ही के दिन ग्रेटर नोएडा में गिरे हैं, यहाँ क्यों गिरे पता नहीं यार। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया, इसलिए ठंडा हो गया क्योंकि वहाँ ओले गिरे हैं। और ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे बैलून फुला रहे हैं, गुब्बारे। पहले हम भी सरफ मिला के फुलाते थे, लेकिन अब तो कचरा नहीं है, जो भी गाँव से सामान आया है सब अरेंज करने में लगे हुए हैं, दाल वगैरह और जो भी चीज़ है मखान वगैरह सब लेके आए हैं गाँव से, तो वही सब रख रहे हैं। सारा जब होगा तब जाके सफाई होगी। तो मम्मी ने तोड़ दिए काम में, और हम तब तक मसाला रेडी कर देते हैं सब्जी का, तो खाने में लेके जाएगा। थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाए थे, मैं तो आदत हो गई है काम करने से। आज मैं बनाने जा रहा हूँ अंडा करी, चार टमाटर ऐसे डाल दिए, चार टमाटर ऐसे ही गल जाएंगे, देखना कैसे चलेगा। अभी ऐसे प्याज इनके ऊपर डाल देता हूँ, पक जाएंगे। ड्रेसिंग पोते खाना बनाने के टमाटर क्या खा कर दिया, ऐसे बनाई जाती है सब्जी। इससे मसाले ऐड करेंगे, हमारा मसाला रेडी हो चुका है, उसमें पानी ऐड करके सब्जी आप हमारा सब्जी का काम बनाना पूरा हो चुका है। तो गाइस हमने सब्जी रेडी कर ली है, बस थोड़ी देर में ग्रेवी गाटी हो जाए फिर उतार देंगे। तो मैं हेल्प कर दी मम्मी की, क्योंकि मम्मी ने पूरा काम वगैरह सेट कर दिया, घर वगैरह साफ कर दिया। अब थोड़ी देर में खाना वीना खाएंगे, उसके बाद क्या ही करेंगे। आज तो रात में घूमने भी नहीं जा सकते। तो हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, वैसे रात में खाना खाने के बाद सीधा सो गया था, तो सुबह उठ के वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी में लग जाता हूँ, क्या ब्लॉग बनाना पड़ेगा सोचना पड़ेगा। बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय, लव यू ऑल।